वेलकम टू आरजे क्लासेस। और चलिए लाइट का एक और नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला है हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ थिक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। मतलब आपके पास एक मोटा सा ग्लास ब्लॉक है और उसके थ्रू क्या करना, हमको लाइट को रिफ्रैक्ट करवाना है। और डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन, इमर्जेंस, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इन सारे बातों में हमको आज डिस्कस करनी है। हाँ, इसके पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन प्रेस कर लो ताकि आप नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन करवाना है हमको लाइट का, किसके थ्रू करवाना है, थ्रू अ थिक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। तो सबसे पहले चलिए हम लोग एक थिक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपना रहा एक ग्लास ब्लॉक, नाम ले लेते हैं कुछ भी, पी क्यू आर एस, जो मन करे नाम लो, कोई फंडा इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके थ्रू क्या करना है हमको, लाइट को रिफ्रैक्ट करवाना है। तो लाइट को रिफ्रैक्ट कराने के पहले समझ लें इसके ऊपर मीडियम क्या है। तो मीडियम हम ले लेते हैं एयर, इसके नीचे मीडियम क्या है, एयर, और ये मीडियम मेरे अपने पास क्या है, ग्लास। मतलब यहाँ होना क्या है कि लाइट मेरा एयर से इंसिडेंट करना है, इंसिडेंट करने के बाद लाइट आएगा कहाँ पे, ग्लास के अंदर, और ग्लास के बाद फिर लाइट मेरा इमर्ज करेगा कहाँ पे, फिर से लाइट मेरा इमर्ज करना है एयर के अंदर। और ये हमको डिफरेंट फिनोमेना को यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है। तो चलिए ज़रा सा देख लेते हैं कि क्या क्या फिनोमेना यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले आपने लिया क्या, एक इंसिडेंट रे। चलिए इंसिडेंट हमने ले लिया इंसिडेंट रे। ऑब्वियसली आप एक क्या करोगे, नॉर्मल तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा अगर आप इंसिडेंट ले रहे हो, रिफ्रैक्टेड हो, जितने बार आप रिफ्रैक्ट करवाओगे नॉर्मल तो ड्रॉ करनी होगी। तो अब ये मेरा जो रे है, जो हमने इंसिडेंट रे ले रखा है, मेरा कहाँ से इंटर कर रहा है, मेरा एयर से इंटर करेगा कहाँ पे, ग्लास के अंदर। मतलब क्या, ये लाइट विल इंटर फ्रॉम द रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, और रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम हम आपको लास्ट वीडियो में बताए थे क्या होना है, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। तो चलिए जरा सा नॉर्मल की तरफ हमने क्या किया, इसको बेंड कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, इंसिडेंट रे अब मेरा ग्लास के अंदर इंटर कर चुका है। और आप देखो एक चीज़ बहुत क्लियरली देख पा रहे हो कि एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर लाइट बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करता है, और फिर जैसे ही मेरा एयर से ग्लास के अंदर इंटर करा, लाइट क्या हो गया, बेंड हुआ, मतलब रिफ्रैक्ट हुआ। और ग्लास के अंदर भी देखो लाइट बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा, जब तक ये ग्लास के अंदर ट्रैवल कर रहा था। और इसके बाद क्या होना है, फिर से लाइट मेरा इंटर करने वाला है कहाँ पे, एयर के अंदर। चलो यहाँ भी एक नॉर्मल हमने क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। अब मेरा ये लाइट क्या होगा, अब ग्लास से इंटर करना कहाँ पे, एयर के अंदर। मतलब अब डेंसर मीडियम से मेरा लाइट इंटर करेगा कहाँ पे, रेयर मीडियम के अंदर। तो आप क्लियरली ठीक समझ रहे हो, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये मेरा क्या हो गया, ये लाइट मेरा, रे ऑफ लाइट मेरा मिला एयर के अंदर। अब देखिए जरा सा, इसको आपने क्या बोला, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये मेरा क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये रे जब मेरा फिर से रिफ्रैक्ट करना है, ये क्या कहलाएगा, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। तो अपने पास तीन रे मिला, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड एंड इमर्जेंट। अब यहाँ पे चले जरा सा, अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच मेरा एक एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मेरा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच एक एंगल बन रहा है, फिर यहाँ पे ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और मेरा इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच भी मेरा एक एंगल बन रहा है, और इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये मेरा क्या होगा, जब भी मेरा लाइट थिक ग्लास ब्लॉक से रिफ्रैक्ट करेगा तो ये मेरा इस तरह का फिनोमेनन ऑब्जर्व होगा। अब देखिए जरा सा कुछ चीज़ें और हमको समझना है, जब भी मेरा ये रे थिक ग्लास से पास करते हुए इमर्ज होगा, दिस इमर्जेंट रे विल ऑलवेज बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ये मेरा क्या होना है, हमेशा ही इंसिडेंट रे के पैरेलल होना है। और मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये भी हमेशा कैसा होना है, इक्वल होना है। तो ये अपने पास क्या हो गया कि मेरा ये ग्लास ब्लॉक के थ्रू रिफ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। अब एक, अब यहाँ पे क्या आ रहा, अभी एक और टर्म समझना यहाँ पे, जब मेरा इंसिडेंट रे अगर आप प्रोड्यूस करते हो, प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, आपने पहले बता दिया कि ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा, और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, और ये डिस्टेंस आप 90 डिग्री पे मेजर करो, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट,
लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और लैटरल डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं, तो डेफिनेशन क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे इज सेड टू बी द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं आपको, डेफिनेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेरा हो गया लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं क्या लैटरल डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो रहा है, कुछ कुछ बातों पे डिपेंड करता है। अब देखिए जरा सा पढ़ते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट मेनली चार बातों पे डिपेंड करता है। तो पहला बात जो आप बात कर रहे हो, थिकनेस ऑफ ग्लास ब्लॉक। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। मतलब इसका क्या निकलता है, तो मतलब बहुत से अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना मोटा आप ग्लास लेते चले जाओगे आपका थिकनेस क्या होगा, जितना थिकनेस बढ़ेगा, जितना मोटा आप ग्लास लेते चले जाओगे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो सिंपल सा समझ लो। जो दूसरा फैक्टर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना आप बिल्कुल लिख दो यहां मेरा जरा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस का, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। बिल्कुल सही आप समझ रहे हो, मतलब जितना ज्यादा आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते चले जाओगे आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से फिर थर्ड फैक्टर की बात कर लूं मैं जरा सा, थर्ड फैक्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, ग्लास का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैटरल डिस्प्लेसमेंट अगर बात करूं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। मतलब जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जितना कम रिफ्रैक्टिव आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और चौथा बात जो बिल्कुल रिलेटेड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही, लेकिन हम इसको सेपरेट पॉइंट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, तो आप समझ लो वेव लेंथ। देखो ये अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो बिल्कुल ये रिलेटेड है किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंप्लीटली डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। आप इसके बारे में ज़्यादा अगर जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देख सकते हो। तो वेवलेंथ, तो आप लैटरल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करो, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ के बारे में। मतलब आप जितना बड़ा वेवलेंथ उतना कम आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट, और जितना छोटा वेवलेंथ उतना ज़्यादा आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर आप रेड कलर के लिए बात करो, तो रेड कलर के लिए मेरा लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कम होगी। और अगर वायलेट कलर के लिए बात करो, जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, उसके लिए लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो ये पूरा का पूरा आप समझ गए हो कि अगर मेरा एक लाइट थिक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक्स अगर ट्रैवल करता है तो मेरा किस तरह का चेंजेस आना है, रिफ्रैक्शन, इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, और किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, ये कंप्लीट आपका हो गया।